इसकी शक्ल और मनहूस हो गई है, इंतहाई ठंडी ठंडे पानी से ठंडी चूस मारी है। Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. You're watching Life with Raja Hurara. Hope you're doing well and great time with your friends and family. So guys, आज ये देखें आपका भाई जो है ना शलवार कमीज पहन के ना ऐसे रेडी हुआ है जैसे पता नहीं क्या होने लगा है। तो होने तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कुछ anyway कुछ खास भी होने लगा है। वो ये होने लगा है कि आज जिधर मैं जॉब करता हूँ बेसिकली, तो आज मैं अपने कोवर्कर्स की घर में इनवाइटेड हूँ, वो दावत है रात के खाने की। तो मामा बेचारी सुबह से लगी हुई है और मैं भी सो के उठा हूँ। आज छुट्टी थी और जो मेरे कोवर्कर्स हैं, जो मेरी टीम के जो मेरे ग्रुप है, तो बेसिकली उनको भी छुट्टी है। तो मैंने कहा क्यों ना चलो आज गेट टुगेदर करें। तो मैंने उनकी घर में दावत की है, रात की दावत है। तो अभी अराउंड आई थिंक 2:30 हुए हैं और मामा सुबह से बेचारी लगी खाने वगैरह बनाने को लगी हुई हैं। तो अभी जाते हैं नीचे, कोई उनकी हेल्प आउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है और आपको दिखाते हैं। फिर घर के कोई क्लीन वगैरह करते हैं, चेक करते हैं क्या कोई सूरत हाल है। स्टे ट्यून्ड गाइस, नीचे जा रहा हूँ अभी फिर तो। लेकिन ये है कि आपको वेदर की कंडीशन बताऊँ ना, तो पिछला एक हफ्ते से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने को लगी है और जिसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा टाइट हुई है। लाइक टेम्परेचर जो है अराउंड 18-19 के दरमियान चल रहा है, लेकिन यह कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। क्लीन वेदर होता है तो जिसकी वजह से ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, आज भी वेदर मैं आपको दिखाऊँ ना अगर, तो ये देखें मैं नीचे आ चुका हूँ। ये गार्डन है हमारा और वेदर जो है बड़ा ही गर्म वेदर हुआ है आज तो। मेरे ख्याल में 2 या 4-5 महीनों बाद जो है ना मैंने अपनी गाड़ी चलाई है, वो आगे खड़ी है किचन में। मैं अभी आ गया हूँ और किचन ऑफ कोर्स जब दावतें ऐसी हों तो गंदा ही हुआ होता है, लेकिन इसमें अभी हम लोग बहुत सारा कुछ बन रहा है यहाँ पे। रश ही रश लगा है। ये मामा है जी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब व्यूअर्स का? आप पेटर ठीक हो? ठीक। ये अभी पर ये क्या जी बन रहा है? ये स्पेक्टियों का, सॉरी मैकडोनियों का। अच्छा जी, यहाँ पे मैक्रोनीज वगैरह बन गया, उनका चिकन है। हाँ। ये वो बिरयानी का सालन बन किया है। बिरयानी का सालन। और तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि बिरयानी का मुझे बेसिकली बिरयानी आई बहुत पसंद, तो आप ऐसा करें थोड़ा सा उसका सालन निकालें। मैंने नाश्ता वगैरह कोई नहीं किया। अच्छा। तो साथ में ज़रा ब्रेड के साथ खा लूँ ना। तो ये बेसिकली अभी मामा बता रही थी कि गर्म तो नहीं है? गर्म नहीं, वो इसमें ये है वो पता नहीं बिरयानी का। बिरयानी का और क्या जी? ये आगे नहीं ये वो गया भाई। आगे जाना, इसमें कढ़ाई में कोफ्ते बने हैं। कढ़ाई में कोफ्ते बने हैं जी, वो भी हाय हाय हाय। ये देखें जी, और इसके अंडे उबाल के इधर रखे हुए हैं और वो आगे लैंप कढ़ाई में डालेंगे बनी है। और आगे हाय 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 लैंप कढ़ाई ये लो। और इसके बाद शोरमा इसको कहते हैं इसको। उसके बाद जी ये क्या? ये वो है रिब्स, लैंप रिब्स। लैंप की रिब्स हैं जी, माशाल्लाह। और ये इसमें है जी, आज तो मेरे को वर्कर्स जो है ना बीफ टिक्का खा के तबाह हो जाएंगे। ओ अच्छा, ये बीफ है? बीफ टिक्का। हाँ, टिक्का है जी। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी कोवर्कर पूजा है वो ये नहीं खा सकेगी क्योंकि वो बीफ नहीं खाती। और ये रशियन सैलेड, मैंने कहा ठंडा हो जाए, जितना ठंडा होगा उतना मजा है। रशियन। और ये सीख कबाब है और इसमें वो है, एक सेकंड मैं जरा दिखा दूं। ये सीख कबाब है जी जो हम लोगों ने भी बनाने हैं। ये क्या? ये वो लेग्स हैं ड्रमस्टिक्स चिकन की ना। वाह 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 वाह, ये मसाला का इनको मैरिनेट कर दिया। वाह 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 जी, ये देखो जी लेग्स। और ये क्या? ये वो लैम की लेग है। और ये लैम की लेग है जी, क्या कहते हैं उसको, वो सॉरी रबड़ी फलूदा है। रबड़ी फलूदा, हाय हाय। और ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं। और बाकी शामी कबाब, इसमें शामी कबाब हम लोगों ने मैरिनेट करके, मैरिनेट नहीं हां बना के फ्रीज करके ना, फ्रीज हुए हैं ये, इसको आखिरी टाइम पे बना लेंगे। हां और अभी वो दूसरा सैलड बनाऊंगी, चटनियां बनाऊंगी। ये सारा सूरत हाल है जी, आपको साथ साथ बताएंगे। ये अभी हम देखें
ये मैक्रोनियों पड़ी हुई है खराब बन के, एक अंडा हम लोगों ने तोड़ दिया है वो आप देख सकते हैं, और बाकी के अंडे वो उबले हुए आगे देखिए, ये इधर आगे उबले पड़े हैं। तो अभी ऐसा करता हूँ जी कि मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता क्या है, तो वैसे अब नाश्ता आप क्या करोगे, अब जरा आराम से खाऊंगा ना, तो ब्रेड वगैरह ले लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये जो होता है ना, ये बिरयानी का सालन है, ये आप देखें, ये इसमें मतलब चावल वगैरह डालेंगे तो वो फिर बिरयानी बनती है, तो मैं बड़े शौक से ही खाता हूँ सालन बेसिकली। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है जी कि घर की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्यों ना घर की ना कोई थोड़ी सफाई कर लूँ, आगे पीछे से सेटअप कर दूँ, बहुत मतलब छोटा है ना वो, गंद डाल देता है। तो अभी जी हम लोग ऐसे चुटकियों में कोशिश करते हैं कि सारा कुछ साफ हो जाए। ये देखो, हालांकि इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी रात को ठंड हो जाती है, तो मे भी इस वजह से इन्होंने ना ये चादरें शादरें भी रखी हुई है करने के लिए। मामा माड़ी जीनी रह, सुबह से बेचारी लगी हैं। अरे मेरी खातिर आज मामा का भी इम्तिहान है, क्योंकि जो मेरे को वर्कर्स हैं ना, उनको मेरे मामा का हाथ का खाना बड़ा पसंद है। मैं एक दफ़ा रमज़ान में अफ्तारी लेके गया एक दो दफ़ा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की जी। तो देखते हैं अपने इम्तिहान में ये पूरा उतर सकती हैं या नहीं। जी तो भाई साहब, ये जो है ना वैक्यूम, और ये तो मैंने सेट कर दिया, सोफ़ा बड़ा भारी था यार, अकेला किया है तो ऑल टाइट हो गया। अभी वैक्यूम वगैरह तो यहाँ से सारा सिटिंग रूम में हो गया है, सोफ़ा मैंने सीधे कर दिया। उस दिन हम लोगों ने कुछ क्लीनिंग के लिए कुछ किया था, तो सोफ़ा चेंज कर दिया था, अभी वो फिर मैंने अकेला ही किया। तो बाहर जो है धूप निकली है बड़ी तेज़, मुझे लगी है गर्मी, और अब पता नहीं क्या करूँगा, क्या पता नहीं करूँगा, देखते हैं क्या करते हैं। अभी 4:10 हो गए हैं, और हम लोग कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिस्टर को लेने कॉलेज से, और घर की सफाइयाँ वगैरह की हैं। वेदर आज बहुत ही चमकने वाला हुआ है, 21 पे टेम्परेचर चला गया, मेरे ख्याल में तो गर्मियों का आगाज़ हो गया है। तो बट एनीवे अभी जा रहा हूँ सिस्टर को लेने, और फिर सर में दर्द होना शुरू हो गया, खाने वगैरह बड़े मज़े के पक रहे हैं, खुशबू सूंघ सूंघ के ना पेट भर आ गया है। तो अभी जा रहा हूँ लेने के लिए, लेकर आऊँगा फिर देखूँगा ऊपर जो कमरों में कोई सेटअप करूँगा, थोड़ा बहुत ख़राब हो गए हैं उनको सॉर्ट आउट करूँगा, एंड देन आई थिंक हो जाएगा काम मेरी तरफ से तो सारा। मैं कहा यार चलो थोड़ी हेल्प जितनी हो सके मामा की करा लूँ ना, अच्छी बात है, बेचारी सुबह से लगी हुई हैं, अल्लाह सलामत रखे उनके हाथ और ख़ुद उनको भी सलामत रखे। मेरे कहने पे बस उन्होंने किया, बना रही हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है जो आएंगे खाएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और अच्छा टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह। और ट्रैफिक अब आगे जाम हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ये देखें जी, अब आ गए हैं सारे यहाँ पे खड़े होंगे, दैट्स इट, यहाँ पे 2 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल में। हम लोग अभी वापस आ गए हैं, और अभी के रात से ये स्पैगेटीज वगैरह रेडी हो गई हैं, और ये भुखिया आ गई है हमारी, पहले ही खाना शुरू हो गया है, कॉलेज से आई है तो अब बचा हुआ सामान खा रही थी आगे, लेकिन अब ये जो है यहाँ से भी खाना शुरू हो गया है। इसके अलावा जी ये लैम्ब रिब्स हैं, ओवन में ऑलरेडी जा चुकी हैं, और इसके अलावा आपको मैं दिखाऊँ अगर तो यहाँ पर ये चना चाट भी तैयार हो गया। ये चना चाट जी आ गई है आपके सामने, ये टिक्के हैं बीफ के टिक्के हैं, ये भी कुकर में जाएंगे। हाँ अब इसको लगाऊंगी ना कुकर में, थोड़ा वेट इनके हो ताकि सही तरह गल जाए। माशाल्लाह से सुबह से लगी हैं, और सब खाने वालों को अच्छा लग जाए, बाकी कोई नहीं, ये वेस्ट करनी है फेंकना है। जी गाइस, और फिर मैंने जो है सफाई वगैरह की है, क्लीनिंग वगैरह की है, और थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी माशाल्लाह की है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है ना सीन न के ये बैठे किस रहे हो यार, ये देखो यार, ये जो है गेम खेल रहा है, और मैंने ये सेटिंग वगैरह की है यहाँ पे, काफ़ी हद तक तो बेहतर हो गया है, यहाँ पे गेम चल रही है इसकी, हर वक्त रेसलिंग खेलता रहता है। अभी मैं इसके आगे आ जाता हूँ,
और ये माशाल्लाह जी गारा मारा हो गया रेडी। गाड़ी में थोड़ा इशू था ना, वो वहाँ पे आगे जो जगह हमारी खाली होती है उधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई, छुट्टी का टाइम है ना, भूख ये भी नहीं आई। मैंने सोचा कि गाड़ियाँ पीछे पीछे कर लूँ, तो ये इसको बिल्कुल करीब कर दिया इसको। अभी एक और गाड़ी उधर आगे आ सकती है, फिर एक सामने भी आ जाएगी, तो दो गाड़ियों पर आ रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो मैं अंदर आ रहा था, अंदर आते आते मुझे पता क्या हुआ, मुझे एक चीज़ नज़र आई, ये मामा ने सैलड बना के रखा है माशाल्लाह से, कितना प्यारा बना हुआ है कि देखें। और ये टीडू टीडू ये देखा मेरा मामा एक काम, बाकी माशाल्लाह से काफ़ी कुछ रेडी है। ये बिल्कुल एंड पे लगे हैं आगे ऑलरेडी ड्रम स्टिक्स, ये आप देखें अंदर गई हुई हैं, बन रही हैं। बाकी ये है, ये देखें कितने अच्छे तरीके से मामा ने बना के रखा हुआ है, और भी काफ़ी है मेरे ख्याल में, चावलों को दम शम लगा हुआ है काफ़ी कुछ। अब बताने वाली वो खुद ऊपर चली गई हैं, तो बाकी अभी रब्ता हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि यार अभी हम लोग बस 10-15 मिनट और लगेंगे, आ जाएंगे 7:15 ऑलरेडी हो गए हैं, 7 बजे का मैंने उनको टाइम दिया था लेकिन नहीं आए, लेकिन आने आओ कोई इतनी इमरजेंसी भी नहीं है। और बस वो कह रहे हैं 10-15 मिनट में एक साथ ही दोनों आएंगे, तो मतलब दोनों से मुराद के दो गाड़ियाँ हैं, तो दोनों चाह रहे हैं को एक साथ ही आएँ, तो लस से ये जी गए आखिरी मराइल में, खाने पीने चल रहे हैं, ये जो है हमारी सीख बन रही है। और ये देखें मज़े मज़े के धुएँ निकल रहे हैं इनमें से, हाय हाय हाय। और अभी बाकी की ये देखते जाएँ ज़रा, आए हाय हाय आए हाय हाय, इस भूखे को देखो, आए हाय हाय हाय, मस्ती करने को लगा हुआ था मैं, कहा जाओ गाड़ी के पास ना बैग पड़ा हुआ है उठा के ले आ, तो वो देखो जरा ये देखो, अंत में चाहिए भी थी इसने तो मैंने बाहर निकाल के ताला लगा दिया, बैग तो उसको मिला नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह ये तैयार श्यार होके आई हैं, ये देखो बिरयानी का देखें दम बिरयानी, ओए हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ ओए हाय हाय, तबाहियाँ तबाहियाँ भाई जी, ये तो कोफ्ते है दिखा दो, वाह जी वाह क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये नौकर मारे लगे हैं बर्तन शर्तन धो रहे हैं, शाबाश वेरी गुड। कम इन ब्रो ब्रो ब्रो, बैग नहीं मिला, छोटे कांटे की जरूरत है बैग, बेटा बंदे ज्यादा हैं तो बैग नहीं मिला यार, ओ यार मारो तुझे यार, क्या कर रहे हो भाई, जूठे जी जी जी, क्या हुआ क्या हुआ, जादू दिखाते जादू आ गया जी, ये नाइट्रोजन बिस्किट डाल, इंतहाई ठंडी ठंडे पानी से ठंडी जूस मारी है, गर्मी में चलो काम आ गया लेकिन इंतहाई ठंडी मारी है, क्यों जी राय साहब हंसी आई है, बिल्कुल हंसी नहीं आई, मैं तो कहता हूँ स्माइल भी नहीं आई थोड़ी सी भी, क्यों इसका शक्ल, इसकी शक्ल और मनहूस हो गई है पहले ही मनहूस, ओहो हो मतलब कि हाँ जी शामी कबाब फ्राई होने लगे हैं, वाह जी वाह, आखिरी मराइल में ये देखें जी कबाब वगैरह तले जा रहे हैं, ये रोस्ट रेडी हो गया, मेहमान ऑलरेडी आ चुके हैं, ये देखिए हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, वाह जी वाह, ये देखे देखते जाए ज़रा, ये देखते जाए ये देखते जाए, वाह जी वाह। Years later. ये आप किचन की हालत देख सकते हैं, अब ये सारी जो है वॉशिंग है होने लगी है, और मेरे नसीबों में आई है वॉशिंग सारी, तो एक के नीचे भी पड़ा है ऊपर भी पड़ा है, मम्मा की बड़ी मेहनत थी आज, तो चले गए हैं सारे खा पी गए हैं, और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा है सबको, खाना बड़ा अच्छा, यस बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरा, बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा खाया पिया भी है और हंसी मजाक हुआ है, सारा अच्छा टाइम गुजर गया, अब जो है बुरा टाइम शुरू होने लगा वॉशिंग वाला सफाई वाला,
तो अब करते हैं फिर, यही है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Been too many racks, designer on my waist. Sure said she feeling me.